हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस यार, दो दिन पहले मैंने मंथ 13 रॉयल पास की वीडियो डाली थी, जिसके अंदर मैंने आपको 1-50 आरपी रिवॉर्ड दिखाए थे। लेकिन गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ मंथ 14 रॉयल पास के 1-50 आरपी रिवॉर्ड विद टेक्सचर के साथ में, यानी कि पूरे के पूरे टेक्सचर आ चुके हैं। और गाइस, इस रॉयल पास की खास बात यह है कि इस रॉयल पास के अंदर बहुत टाइम बाद यार एक फ्री में व्हीकल स्किन मिलने वाली है। और गाइस, सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात यह है कि गाइस, एक ऐसा फीचर जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है, लेकिन आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो गाइस, आप सभी को याद होगा, यहाँ पर मंथ 11 जब रॉयल पास आया था, उसके साथ में हमें एक फर्स्ट अल्टीमेट सूट देखने को मिला था, यानी कि फ्लेम राज सेट। उसकी स्पिन के अंदर हमें यहाँ पर एक विंगमैन फीचर देखने को मिला था, आप सभी को याद होगा। तो गाइस, वही हेलीकॉप्टर की स्किन आप सभी लोगों को फ्री में मिलने वाली है, और आप इस फीचर को भी यूज कर पाओगे। तो गाइस यार, काफी ज्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है, और ये फीचर कैसे यूज कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, कौन से व्हीकल स्किन आने वाली ये भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को यार दबा के लाइक कर दो फटाफट। तो चलो गाइस, फटाफट बात कर लेते हैं यहाँ पर मंथ 14 रॉयल पास रिवॉर्ड की। तो यहाँ पर फर्स्ट आरपी की जो रिवॉर्ड आपको 100 नहीं हो रहे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आगे दिखा दूंगा भाई कैसे दिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आरपी पर भी कुछ नहीं था, लेकिन 10th आरपी पर आपको एक डांसिंग इमोट फिर से देखने को मिलेगा मंथ 14 के अंदर। अब यार, जैसे ये कारनामे यहाँ पर कर रहा है, तो उसी हिसाब से यार इमोट का नाम रखा है स्ट्रीट डांस। इसी के साथ में यहाँ पर 50 आरपी की आउटफिट का आप अवतार देख सकते हो, और फुल लुक भी आपको आगे दिखा दूंगा, काफी खतरनाक आउटफिट है यार, आप देखना खुद। और व्हीकल स्किन कौन सी ये भी आपको आगे दिखाऊंगा, वीडियो पूरी देखना और लाइक कर दो दबा के गाइस। तो यहाँ पर देखो, अब 23 आरपी पर आपको हेडगियर की जगह एक चश्मा देखने को मिलेगा, और 25 आरपी पर आपको पूरा सेट मिलने वाला है फ्री रॉयल पास के अंदर। तो यार, आउटफिट ठीक ठाक थी, लेकिन हेडगियर बेकार था, जो चश्मा इसका था ना वो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 30 आरपी पर हमें क्या मिलेगा, तो देख सकते हो 30 आरपी पर एक व्हीकल स्किन है, जो कि बोट की स्किन है। अब ये बोट की स्किन का फुल टेक्सचर आपको आगे दिखाऊंगा। और यहाँ पर फ्री रॉयल पास 35 आरपी पर आपको शॉर्ट गन की स्किन मिलने वाली है, जो कि यार ठीक ठाक है, इतने भी कोई खास नहीं है यार, एकदम जैसी नॉर्मल रहती वैसी ही लग रही है भाई ये। तो यार, अभी आप मन में सोच रहे होंगे यार, रिवॉर्ड तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहे फालतू में ऐसे वैसे, अरे भाई थोड़ी देर रुक जाओ, आपको सारे दिखा दूंगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पर देखो, 40 आरपी पर कौन सी गन स्किन आने वाली है, स्कारलेट की स्किन आने वाली है, इसका भी फुल लुक अभी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर भाई पूरा रॉयल पास खत्म हो गया, सिर्फ फ्री रॉयल पास के रिवॉर्ड दिखाए, अरे भाई फ्री के तो दिखाए ना। अब देखो, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको सारे रिवॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रॉयल पास एंड हो गया, 50 आरपी आ चुकी, ओके, रूम कार्ड भी यहाँ पर मिल रहा है। तो गाइस, अब बारी यहाँ पर सारे के सारे रॉयल पास रिवॉर्ड को दिखाने की। तो सबसे पहले मैं आपको मिथिक इमोट दिखाता हूँ यहाँ पर 50 आरपी का, ये देखो। तो पहले मैंने आपको डांसिंग इमोट दिखाया था, और ये है यहाँ पर एक्शन इमोट, जो कि भाई क्या था ये, अगर हाथ में शील्ड देते तो और ज्यादा मजा आता भाई। अब गाइस ये देखो, आरपी एडवेंचर जो रॉयल एडवेंचर आने वाला है ना, वो काफी खास होगा। तो सबसे पहले तो उसके अंदर ये एक आउटफिट आने वाली, येलो कलर का हेडगियर बेकार लग रहा है, लेकिन आउटफिट के साथ में काफी अच्छा लगेगा। और ये रही गाइस वो स्कारलेट की स्किन, जो कि आपको 40 आरपी पर मिलने वाली है रॉयल पास के अंदर। और मैं जो आपको फ्री विंगमैन फीचर के बारे में बात कर रहा था, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। और ये रही हमारी 50 आरपी की मिथिक आउटफिट, जो कि यार काफी ज्यादा कूल है यार, इसका बैकग्राउंड भी देखो कितना मस्त है। और गाइस, ये वाली जो आउटफिट आप देख रहे हो, ये फर्स्ट आरपी की आउटफिट है, और ये वाली रॉयल एडवेंचर स्पिन की आउटफिट है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर फर्स्ट आरपी पर आपको पीपी बायजन की स्किन भी मिलने वाली है उस आउटफिट के साथ में। तो उसका भी लुक आप देख सकते हो, कुछ इस टाइप की दिखने वाली, कुछ ज्यादा खास तो नहीं लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगी। और गाइस, साथ ही में जो रॉयल एडवेंचर स्पिन के अंदर गन स्किन आने वाली है, वो है स्कारलेट की स्किन। तो यार ये भी काफी कूल है यार, गोल्डन कलर की स्किन है, रेड कलर में काफी मस्त है। लेकिन थॉमसन की जो स्किन है मंथ 13 के अंदर आने वाली, वो काफी ज्यादा प्यारी है। अब गाइस एक चीज मुझे बताओ यार, 40 आरपी पर कौन सी गन स्किन, अच्छा ये है क्या MK47 की स्किन है 40 आरपी पर, यार मैंने स्कारलेट बोल दिया था गलती से, तो उसके लिए सॉरी। तो आपको MK47 की स्किन रॉयल पास के अंदर मिलने वाली 40 आरपी पर। और ये देखो भाई, स्टन ग्रेनेड की स्किन आने वाली, इस बार 10th आरपी पर आएगी आई थिंक, है ना, 10 या फिर 15 ऐसा कुछ था, हाँ 10 या फिर 15 पर आने वाली अच्छी स्किन यार। और भाई ये देखो, ये रही व्हीकल स्किन जिसके बारे में बात कर रहा था, 30 आरपी पर आने वाली है। तो यार गोल्ड एंड ब्लू कलर की है, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि यार कुछ इस टाइप की आने वाली है, एंशिएंट टाइप की, ठीक वैसे ही है गाइस, थोड़े बहुत चेंजेस है, चलो कोई नहीं, चलेगा इतना तो। अब यार M13 रॉयल पास के अंदर हेलमेट की स्किन आ गई, और इस बार जो मंथ 14 का रॉयल पास, उसके अंदर बैकपैक स्किन आएगी। तो यहाँ पर टेक्सचर शो नहीं हो रहा है, उसके लिए सॉरी भाई, क्षमा करें, लेकिन कोई बात नहीं, ये रहेगा इस टेक्सचर। तो यहाँ पर आप लेवल 3 का बैकपैक देख सकते हो भाई, और ये रहा लेवल 2 का, और फाइनली ये रहा लेवल 1 का, दिखा दे भाई। ओ भाई ये है लेवल 3 का, तो वो लेवल 2 लेवल 1 था, है ना,
सो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर फ्री विंगमैन फीचर के बारे में। जो हेलीकॉप्टर की स्किन आने वाली है वो आपको फ्री में कैसे मिलेगी। सो गाइस सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये जो विंगमैन का फीचर आपको मंथ 13 रॉयल पास में देखने को मिलेगा और मंथ 13 के रॉयल एडवेंचर स्पिन के अंदर ये फीचर आने वाला है। तो गाइस अब मैंने फ्री बोल दिया, थोड़ा ज्यादा बोल दिया, लेकिन आपको ये सस्ते में मिलेगा कैसे, तो इसके लिए आपके पास है ना ज्यादा से ज्यादा आरपी पॉइंट्स होने चाहिए। तो गाइस रॉयल एडवेंचर के अंदर क्या होता है कि एक सप्लाइज होते हैं, मतलब कोई आइटम के इतने सप्लाइज में ये आइटम निकलता है, तो उसी हिसाब से इसके भी कोई सप्लाइज होने वाले हैं। आई थिंक यहाँ पर 400 से 500 इसके सप्लाइज होने वाले हैं। इतने सप्लाइज आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे जो कि आरपी पॉइंट के मदद से आपको बैचेस मिलते हैं। बैचेस की मदद से आप स्पिन करते हो और उसमें से आप सप्लाइज निकालते हो। तो अगर आपके पास 400 से 500 सप्लाइज होंगे तो आप इस विंगमैन फीचर को फ्री में निकाल सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास बस आरपी पॉइंट्स होने चाहिए। तो चलो यहाँ पर कम से कम एक मौका तो दिया कि इस फीचर को हम यूज कर पाएंगे। और व्हीकल स्किन भी आप देख लो, हेलीकॉप्टर की स्किन कैसी लग रही है आपको, नॉर्मली है या ज्यादा कुछ खास नहीं है, यहाँ पर ग्रीन कलर और ब्लैक कलर है। लेकिन गाइस अच्छी बात यह कि स्पॉन आइलैंड पर आप इस हेलीकॉप्टर को उड़ा पाओगे और साथ में आपकी जो लॉबी रहती है उसके अंदर भी आपको हेलीकॉप्टर ये उड़ते हुए दिखाई देगा। तो कैसी लगी ये वाली न्यूज यार, कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है। चले इतने से चलती है। अब गाइस यहाँ पर मंथ 14 का आरपी क्रेट दिखाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खास चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर फाइनली जो अल्टीमेट फेरो 7 स्टार आने वाला है उसका यार ट्रेलर आ चुका है। इतना ज्यादा मस्त लग रहा है ना, आप खुद देखो वो ट्रेलर। तो गाइस यार इस फोटो को देखकर लगता है कि भाई ये दोनों एक्स सूट जो अल्टीमेट 7 है और यहाँ पर जो न्यू एक्स सूट आ रहा है लेडीज वाले, दोनों साथ में आने वाले, मतलब ये एक ही स्पिन के अंदर आएंगे। और भाई इनके साथ में देखो आप, यहाँ पर 4 आउटफिट्स और आपको दिख रही होगी। तो यार इसमें जो राइट वाली आउटफिट है ना वो मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है लेफ्ट वाले के मुकाबले। जो गोल्डन एंड रेड कलर की है वो ज्यादा क्यूट लग रही है। वैसे गाइस आप अपनी चॉइस कमेंट बताना। वैसे गाइस अल्टीमेट फेरो 7 स्टार को देखो यार, कितना तबाही लग रहा है। पहले इसका मतलब जो हेडगियर देखा अपन ने सिर्फ, तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने बोला था ना अभी फाइनल टच नहीं है, लेकिन फाइनल टच इस ट्रेलर में आप देख सकते हो भाई। और गाइस ये जो एक्स सूट की स्पिन है फाइनल यहाँ पर रिलीज डेट निकल चुकी है कंफर्म, जो कि आने वाला है 5 अगस्त को। यानी कि ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 15 से 20 दिन के अंदर आपको एक्स सूट देखने को मिलने वाला है। तो यार आप सभी लोग यार इस एक्स सूट के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, जल्दी से यार मुझे नीचे कमेंट में बताओ। और गाइस ये ट्रेलर आपको कैसा लगा ये भी यार मुझे नीचे कमेंट बताना। और एक और चीज, यहाँ पर एक स्काइल की अपग्रेडेबल गन स्किन आने वाली, वो भी यार काफी ज्यादा जबरदस्त है। तो गाइस उसका भी ट्रेलर रिलीज हुआ है, वो देखो यार मजा आ जाएगा आपको। तो गाइस ये जो स्कारलेट की स्किन है इसका नाम है थॉर्न ऑफ मैलिक। और गाइस ये भी काफी कूल स्कारलेट की स्किन है। वैसे आप मुझे बताना कि आपको कैसे लगे। किल इफेक्ट आपने देख लिया, ग्रीन कलर का है लेकिन बीच में एक डायमंड चमक रहा है जो कि काफी कूल लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इसका किल मैसेज देखो, इसके अंदर भी एक छोटा सा डायमंड और ये ग्रीन कलर की शाइनिंग मारते हुए, ये भी काफी कूल लग रहा है। इसके अटैचमेंट भी कुछ इसी टाइप के हैं, ग्रीन नियॉन। तो यहाँ पर अटैचमेंट यार मुझे सही बताओ तो इतने खास तो नहीं लगे। और लूट क्रेट भी यार ठीक ठाक है, इतना ओपी नहीं है, लेकिन इसका जो 8th लेवल है यानी कि ग्लोरियस मोमेंट है वो यार मुझे काफी तबाही लगा है। तो एक बार आप खुद देखो यार इसको। और गाइस ये वाली जो स्कारलेट की स्किन है एक्स सूट के साथ में ही आने वाली, यानी कि उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो यार ग्लोरियस मोमेंट तो अच्छा है, लेकिन जो मिथिक M4 आने वाली है उसको यार टक्कर नहीं दे पाया। वैसे आप नीचे कमेंट बताना आपको कैसा लगा। चलो गाइस अब देखते हैं यहाँ पर मंथ 14 के आरपी क्रेट को। तो यहाँ पर काफी सारे आइटम आने वाले हैं, जैसे कि सीजन 8 के आइटम। सीजन 8 की 100 आरपी की आउटफिट हो गया, DP28 की स्किन हो गई, प्लान की स्किन हो गई जो कि मुझे काफी अच्छी लगी थी, ऑरेंज एंड ब्लू ब्लैक कलर में। इसके अलावा यहाँ पर ये सीजन 7 की लग रही है यार आउटफिट, नहीं सीजन 8 की है, ओके। तो यार सारे के सारे सेट आने वाले हैं रॉयल पास के, और उस टाइम के जो आरपी क्रेट्स आए थे उनके सारे आइटम इसके अंदर आने वाले हैं। और देखते हैं क्या क्या आने। बैकपैक स्किन आप देख सकते हो यार, सीजन 8 का है क्या यार पता नहीं। और यहाँ पर एक बाइक स्किन भी है, लेकिन भाई टेक्सचर तो लोड हो ही नहीं रहे। AKM की स्किन भी आने वाली है, AKM भी आई थिंक यहाँ पर सीजन 8 या 7 की होनी चाहिए है ना। एक स्काइल की स्किन आने वाली है, और क्या है भाई फटाफट दिखा दो यार। ओके यहाँ पर एक UH की स्किन भी आने वाली है ऑरेंज कलर की, SLR की स्किन आने वाली है,
SLR की कब आई थी? स्पीड वॉट की स्किन ब्लू कलर की है, ओके इतनी खास नहीं है यार। पैरासूट की स्किन भी आप देख सकते हो। तो यार काफ़ी कुछ आ रहा है इस आरपी क्रेट के अंदर, लेकिन गाइस जो मंथ 13 का आरपी क्रेट है इससे ज़्यादा बेस्ट है। आप बता देना कमेंट में कौन सा आपको बेस्ट लगा है। सो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी यार। प्लीज़ यार दिल खोल के लाइक कर देना। मिलते हैं गाइस एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार बाय बाय फ्रेंड्स।